नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह की इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पानीपत जिले में तय किए गए नए कलेक्टर रेट 1 जनवरी से लागू होंगे। नए रेट बाजार भाव को देखते हुए कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बढ़ाए गए हैं रेट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिबर्टी संस्थान के समीप शाम करीब 7 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की हुई मौत। बाइक पर सवार थे दोनों भाई। संजय कॉलोनी निवासी एक उद्यमी को कुरियर से मिला धमकी भरा पत्र। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोंधापुर गांव में महिला की सोने की बारी छीनने के दोषी को सुनाई गई 10 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 25,000 रुपए का जुर्माना भी। जीटी रोड टोल प्लाजा पर करीब 2 सप्ताह पहले टोल कर्मी से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को थाना सेक्टर 13-17 पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयोग की गई कार भी बरामद। सीएम फ्लाइंग और आरटीए की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से सवारियों को ले जा रहे और ओवरलोड बसों पर लगाया गया 7 लाख रुपए का जुर्माना भी। टीम ने इस दौरान 4 वाहनों को किया इंपाउंड। स्टेट विजिलेंस की जिला इकाई ने रिश्वतखोर अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ चला रखा है अभियान। विजिलेंस के जाल में फंसे 10 अधिकारी व कर्मचारी। आम आदमी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद बीती देर शाम को आए सुनारिया जेल से बाहर। जेल से बाहर आते ही सीधे सरकार पर साधा निशाना। शहर के पाइट संस्कृति एनएफएल स्कूल में जूनियर स्पोर्ट्स डे पर हुआ रंगारंग कार्यक्रम। प्री नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने विभिन्न खेलों में लिया हिस्सा। गीता स्थली ज्योतिसर से चुलकाना तक होगी इस बार यात्रा। वार्षिक यात्रा चुलकाना धाम का लोकार्पण कर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने किया उद्घाटन। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने की खुशी जाहिर। आज से हजारों वर्ष पूर्व यहाँ भगवद गीता का उपदेश जिस धरा पर हुआ, जिस वट वृक्ष के नीचे हुआ, ऐसा ज्योतिसर क्षेत्र कुरुक्षेत्र धाम जहाँ से आज पानीपत वृंदावन ट्रस्ट के सौजन्य से सभी संस्थाओं के सद्भाव से जो एक यात्रा चुलकाना धाम कल्प वृक्ष जहाँ एक दिव्यता प्रकट हुई, एक बाण के द्वारा पूरे वृक्ष के पत्तों को बेंधे जाने की, बरभीक जी और अब खाटू श्याम के रूप में भगवान कृष्ण के भाव के साथ ये यात्रा यहाँ आज उसका शुभारंभ हुआ। ज्योतिसर धाम से कुरुक्षेत्र धाम से वट वृक्ष की छाया तले हमें लगता है कि जैसे वट वृक्ष छोटा बीज विराट वृक्ष की रूप लेता है, तो यह एक संकल्प जो है वो आस्था का एक विराट वृक्ष बन करके सामने आएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।